चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का जो राजधानी रायपुर से मिल रही है, जहां कोरोना विस्फोट के साथ रायपुर हॉटस्पॉट बन गया है। रायपुर में अब तक कोरोना के 3,678 के सामने आ चुके हैं और 24 घंटे में 193 नए मामले सामने आए हैं और 3 लोगों की मौत हो गई है। अकेले रायपुर में ही अब तक 38 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना के चलते और लगातार हॉटस्पॉट और रेड जोन में हो रही रायपुर की गिनती की जा रही है। सेंट्रल जेल रायपुर से 41 पॉजिटिव, बीएसएफ के 10 जवान, आईटीबीपी के 6 जवान समेत हेल्थ वर्कर, पुलिसकर्मी, मंत्री का क्लर्क भी पॉजिटिव पाया गया है। राहत की बात यह है कि रायपुर में अब तक 2,325 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो रायपुर में लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और शासन प्रशासन का जितना ज्यादा फोकस राजधानी रायपुर पर देखा जा रहा है, उतना ही जो आंकड़े हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता शिवम जुड़ गए हैं। शिवम, आखिर क्या कुछ वजह कि राजधानी रायपुर में आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो देखा जा रहा है कि लगातार पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ में बढ़ती संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं, उसके साथ ही जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है अब वहां पर भी एक बड़ी संख्या में संक्रमित मरीज रोजाना मिल रहे हैं। कल भी 193 पॉजिटिव मरीज वहां से सामने आए हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं बात तो ये है कि जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जा रही है, जिस तरीके से तेजी से टेस्टिंग की जा रही है उसी तेजी से बढ़ती संख्या पर यहाँ पर संक्रमित मरीज भी पाए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राहत की बात ये भी निकल करके सामने आ रही है कि जो रिकवरी का आंकड़ा है मरीजों का वो भी काफी बड़ी संख्या पर आ रहा है। जितने तेजी से संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं लगातार उतनी तेजी से हर दिन संक्रमित मरीजों की संख्या जो रिकवरी हो रही है वो भी कहीं ना कहीं दिखी जा रही है। लेकिन इसी बीच जो आज से लॉकडाउन खोल दिया गया है राजधानी रायपुर में, ये कहीं ना कहीं चुनौती की बात है जिला प्रशासन के लिए भी और आम पब्लिक के लिए भी, क्योंकि आज से सभी व्यवसाय खोल दिए जाएंगे, सभी दुकानें बाजारें खोल दी जाएंगी, उसके बाद वहां फिर से वहां पर एक भीड़ लगेगी, फिर से सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलेंगे। तो इसके साथ जो टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग के जा रहे संक्रमित मरीजों की जो संख्या बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं एक चुनौती की बात है। शुभम, आप हमारे साथ में बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर मिल रही है राजधानी रायपुर से, वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना ब्लास्ट हो चुका है और सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। एक दिन में 483 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं और रायपुर में 193, दुर्ग में 53, बिलासपुर में 65, राजनांदगांव में 31, बस्तर में 22 और रायगढ़ में 19 और कांकेर की बात करें तो 14 मामले सामने आए हैं। नारायणपुर से 12 और जांजगीर चांपा और कोंडा गांव से 9 और कोरबा और बलरामपुर से 8 मामले सामने आए हैं और गरियाबंद से 7, बालोद, महासमुंद और अन्य राज्यों से 6, जशपुर से 3, धमतरी, सुकमा, बालोदा बाजार, सरगुजा और कोरिया से 2, बेमित्रा और सूरजपुर से 1 मरीज सामने आया है। वहीं मौत के आंकड़े में भी इजाफा हुआ है, कोरोना से 6 मौतें हो चुकी है और अभी कुल मौतों की बात करें तो यह आंकड़ा बढ़कर 77 हो गया है। रायपुर से 3, महासमुंद, राजनांदगांव और जांजगीर में 1-1 मौत हुई है और संक्रमितों का आंकड़ा 11,000 के पार पहुंच चुका है। प्रदेश भर में कुल एक्टिव केस 2,855 है और 217 लोगों के ठीक होने के साथ ही 8,088 अब तक डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो संवाददाता शिवम हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। शिवम, रायपुर को अगर छोड़ भी दिया जाए तो बाकी सारे जिले भी ऐसे हैं जहां पर लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और आज लॉकडाउन को लेकर छूट भी मिल गई है, तो कहना गलत नहीं होगा कि ये आंकड़ा जो है वो और ज्यादा बढ़ सकता है, तो इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राजधानी में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इसी के साथ ही बात करें दुर्ग, बलौदाबाजार, बिलासपुर, तो ये सब जो जिले हैं यहाँ पर भी लगातार बड़ी संख्या पर संक्रमित मरीज निकल करके सामने आ रहे हैं। इसी के साथ ही जो मौतों का आंकड़ा है वो भी लगातार इजाफा इसमें देखा जा रहा है। मौतों के आंकड़े में भी हर दिन लगभग 5 से 7 मौतें हो रही हैं। लेकिन इसके साथ ही जो रायपुर के साथ अन्य जिलों में भी लॉकडाउन को खोला गया है, बिलासपुर में खोला गया है, दुर्ग में खोला गया है, तो ये कहीं ना कहीं खतरे की बात है, कहीं ना कहीं चुनौती की बात है, राज्य सरकार के लिए भी चुनौती की बात है, ये आमजनों के लिए भी, और जितनी जो कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है कहीं ना कहीं इसका पालन करना होगा। इसके साथ ही जो लोग हैं, जो आमजन है, उन्हें भी एक तरीके से जागरूकता दिखानी होगी कोरोना संक्रमण के लिए।
चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।